साथियों, दीदी की दुर्नीति को यहां पूर्वा वर्धमान के कृषकों ने तो बहुत ज्यादा भुगता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों से देश को दामोदर घाटी जैसी जल विद्युत परियोजना मिली थी। वो चाहते थे कि वर्धमान के खेत सोना उगले, यहां जगह जगह शिल्प लगे, लेकिन उनका ये सपना आज तक सच नहीं हो पाया है। धान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा वर्धमान, यहां के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आजादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी उसकी सही देखरेख तक यहां की सरकार नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में ही रहा नहीं। धान पैदा करने वाले किसान हो या आलू कृषक, यहां हर कोई बेहाल है। ना सिंचाई की सही सुविधा है, न पर्याप्त मंडियां है, न स्टोरेज की सुविधा है और न उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। आजकल आलू का सीजन है तो स्थिति और भी बिगड़ रही है। बंगाल में कृषक खेतों में परेशान है। सिर्फ और सिर्फ दीदी का सिंडिकेट यहां खेती से कमा रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर एकाधिकार से कमा रहा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सभी हालत, मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, ये परिस्थिति सुधारी जाएगी। गरीब किसान को भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिले, फूड पार्क की सुविधा मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को फसल बीमा योजना का ज्यादा लाभ मिलेगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां सिंचाई परियोजनाओं में और तेजी लाई जाएगी, नहरों की क्षमता बढ़ाने का काम तेज किया जाएगा। किसानों को सोलर पंप, सौर पंप देने वाली कुसुम योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, ऐसी हर स्कीम बंगाल की डबल इंजन वाली सरकार दोगुनी शक्ति से लागू करेगी। साथियों, किसानों से दीदी की दुश्मनी का सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि पर बंगाल में रोक। दीदी, ओ दीदी, जरा ये तो बताओ आपको किसानों से क्या दुश्मनी है? चलो मोदी से दुश्मनी मान ली, किसानों से क्या दुश्मनी है? अरे बंगाल के हर किसान के बैंक खाते में अगर मोदी सरकार सीधे पैसे जमा कराना चाहती है तो आपको तकलीफ क्या है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपके कितने ही छोटे बड़े काम भाइयों बहनों कोरोना काल में इस पैसे से हो जाते हैं। अब बंगाल में 2 मई दीदी गई, जैसे ही दीदी की सरकार जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। पहली ही कैबिनेट में बंगाल की बीजेपी सरकार इस पर फैसला लेगी और दीदी ने बंगाल के हर किसान का जो 18,000 टक्का रोका है, कितना?
18,000 कितना, जरा जोर से बताइए कितना, कितना रोका है 18,000 टका जो किसान के खाते में जाना चाहिए था। मैं आपको वादा करता हूं किसान के खाते में 18,000 टका जमा कर दिया जाएगा।